चैनल हॉल हाउस पर आज मैं आपके साथ अपनी मिंत्रा की विंटर की जो जैकेट्स होती हैं उनका हॉल शेयर करने वाली हूँ। इस विंटर सीजन में जो मैंने खरीदी, ज़्यादातर मैंने सारी सेल में ही खरीदी और कुछ इनमें से रिवर्सिबल भी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं आपको सीधे सीधे डायरेक्टली दिखा देती हूँ मैंने क्या खरीदा, और इनका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो जैकेट है वो मैंने H&M की खरीदी है, ये वाली। आई थिंक ये मैं आपको पहले भी एक बार दिखा चुकी हूँ। तो ये वो जैकेट है, ये शॉर्ट जैकेट है, फुल स्लीव्स है, होट है और अच्छी पतला, मतलब ये पूरी ऐसी ना सॉफ्ट फर वाला इसका स्टफ है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसका जो मटेरियल है वो बहुत सॉफ्ट है और पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। मैंने ये वाली सीजन में बहुत बार पहनी है और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया है कि ये बहुत अच्छी जैकेट है। और ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड में तो ये आपको नहीं प्रोटेक्ट करेगी, पर हाँ कम ठंड में आप इसको बहुत आराम से पहन सकते हैं। तो अंदर से ये ऐसी है और फ्रंट, मतलब इसका ऐसा है, मैं पीछे से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बट ये वाली जैकेट, इमेज मैं साइड में लगा दूंगी सारी जैकेट्स की, तो आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मैं ट्राई ऑन हॉल नहीं कर रही हूँ, पर ये जैकेट बहुत अच्छी है। इसके बाद जो सेकेंड जैकेट मैंने खरीदी थी, ये वाली भी मैंने सीजन में काफ़ी बार पहन ली है। तो ये मुझे ये वाला कलर ही लेना था, इसमें और भी बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। तो ये वो जैकेट है, लेकिन इसकी भी इमेज में लगा दूंगी। इसका भी स्टफ है वो जो काफ़ी अच्छा है, अंदर से ऐसा थोड़ा सा फर टाइप वाला है, मतलब सॉफ्ट वाला इसका स्टफ है। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है, जिप भी है, पॉकेट्स हैं दोनों साइड और पहनने के बाद काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये भी मतलब कम्फर्टेबल है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड जैकेट मैंने खरीदी है वो बेसिकली समर या कम विंटर्स में आप पहन सकते हो और चाहो तो समर्स में भी पहन सकते हो अगर आप ठंडी किसी जगह पे हो तो। तो ये वो जैकेट है, ये ऐसी बिल्कुल फंकी सी जैकेट है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये प्रिंट इसका, तो ये ले लिया। ये भी अगेन शॉर्ट जैकेट है और ये डेनिम की जैकेट है, पीछे से ये ऐसी है। तो ये काफ़ी अच्छी मुझे लग रही थी और इसका अभी तक ये मैंने यूज़ नहीं की है, तो कलर आई डोंट थिंक इसका जाएगा। और मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं है, बट आप थोड़ी अब समर जैसे जैसे अभी जो सीज़न हो उसमें इसको आप आराम से पहन सकते हैं, या फिर आप कभी थोड़ा सा मोटा कुछ पहनना चाह रहे हैं तो उसके साथ इसको कैरी कर सकते हैं। जीन्स वाला स्टफ है ना, समर वाली जैकेट है। इसके बाद जो मैंने खरीदी वो मैंने खरीदी है ड्यूक की, ये रिवर्सिबल पफर जैकेट, स्लीवलेस है ये। ऑल्दो ये साइज बहुत अच्छा नहीं है और ये वाली जैकेट थोड़ी लेंथी भी है, मतलब लेंथ में थोड़ी सी लंबी है, बट इसका कलर काफ़ी प्रिटी है। तो मुझे लगता है मुझे इससे एक बड़ा साइज लेना चाहिए था, पर बड़ा साइज अवेलेबल नहीं था, तो ये भी ऑलमोस्ट मुझे फिट आ रही थी तो मैंने ये ले ली। बट आप चाहें तो देख सकते हैं, तो ये ऐसी है, पीछे से ऐसी है और ये रिवर्सिबल है ना। तो इसका जो दूसरा कलर है वो ये वाला है। तो रिवर्सिबल जैकेट्स हमेशा ही अच्छी होती हैं, मतलब ये थोड़ा वाइट नहीं है, थोड़ा सा क्रीमिश कलर है, पर मुझे लगता है रिवर्सिबल जैकेट अच्छी होती है क्योंकि आप दोनों तरफ से इसको पहन सकते हैं। और तो ये मैंने सीजन में नहीं पहनी है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट जैकेट मैंने खरीदी है, ये अच्छी मोटी जैकेट है काफ़ी, मतलब आप इसको अच्छी सर्दी में भी पहन सकते हैं और ये रोडेस्टर की है। तो ये वो जैकेट है, फ्रंट है, मतलब वो जो एक अंदर से जिसमें एक अंदर एक सा रुई जैसा जो स्टफ होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट वाला, वैसा सा है ये इसकी स्लीव, और पीछे से ये ऐसी है। और इसका जो दूसरा शेड है वो ये वाला है, ये भी रिवर्सिबल है, तो आप इसे दोनों साइड से पहन सकते हैं। और इसमें डिटैचेबल हुड भी था जो ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, ये है, और दूसरा स्टफ इसका कलर ये है। बट इस जैकेट के साथ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि इस जैकेट को आप अपने से एक साइज बड़ा खरीदें क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब साइज में बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो जनरली जैकेट्स हम किसी ना किसी कपड़ों के ऊपर पहन रहे होते हैं तो ये टाइट होती है। और दूसरी चीज़ जो इसमें एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है कि इसकी जो स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स ना पूरी मतलब वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सिबल स्लीव्स हैं ना, तो थोड़ी सी टाइट हैं स्लीव्स इसकी ना। बाकी जैकेट्स की स्लीव्स थोड़ी सी लूज होती है ना, थोड़ी लूज और बनानी चाहिए थी, बट ये स्लीव्स इसकी थोड़ी सी टाइट हैं, मुझे तो एक्चुअली थोड़ी टाइट लग रही हैं और छोटी लग रही हैं। मुझे हमेशा से लगता है स्लीव्स थोड़ी बड़ी बड़ी होनी चाहिए। ऑल्दो मैंने इसका एक बड़ा साइज ही ऑर्डर किया क्योंकि मेरा जो साइज़ था वो तो मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा था, तो मुझे एक बड़ा साइज़ मिल गया तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया।
ऑल्दो इस जैकेट का स्टफ काफी अच्छा है और प्राइस वाइज काफी अच्छी पड़ी और रिवर्सिबल है, ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। तो बस मिंत्रा से इस बार मैंने इतनी ही जैकेट्स मंगाई थी। किसी से भी रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।